नीतू जी मेरे साथ मौजूद हैं। नीतू जी, आज आप लोगों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, किन मुद्दों को लेकर आपकी मुलाकात? देखिए, यहाँ पर 8 अलग अलग मुद्दे थे जिनको चुनाव आयोग ने एड्रेस किया। हमने यहाँ पर उनसे डिमांड रखी। मेन मुद्दा जिस वजह से आई, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन को। महाराष्ट्र के एक सांसद है धनंजय महादेव, जिन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में भरी सभा में महिलाओं को धमकाते हुए ये कहा कि अगर महिलाएं कांग्रेस की किसी मीटिंग में जाती हैं तो उन्हें हम भाजपा सरकार बनने के बाद जो बेनिफिट्स होंगे उससे वंचित रखेंगे। और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि उन महिलाओं की फ़ोटो खींचिए जो कांग्रेस को वोट करती हैं, कांग्रेस की सभाओं में जाती हैं, ताकि हम उनको देख लेंगे। ये देख लेंगे का क्या मतलब है? देख लेंगे इसे उनका क्या तात्पर्य है? हमें इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और एक शो कॉज नोटिस दिया गया है कि ताकि इस तरीके की चीज़ वो रिपीट ना करें। पर हम ये डिमांड करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी पुरुष सांसद या स्पोक्स पर्सन भाजपा का इलेक्शन के बीच में या इलेक्शन के अलावा भी इस तरीके की स्टेटमेंट ना इस्तेमाल करें। ये महिलाओं का अपना हक है कि हम कौन सी मीटिंग में जाएं, हम किस पार्टी को वोट करें, किससे जुड़े, ये हमारा अपना हक है। आप कैसे भरी सभा में धमका सकते हैं? नीतू जी, आपसे पहले जो है BJP का एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जो है ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने अभी भी यही कहा कि भाजपा के जो डेलीगेशन भी आया है उनके नेता किस प्रकार से महिलाओं को धमकाने की भरी सभाओं में बात कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए। वो तो उनका तो काम ही है कि चुनावों के समय पर बरगलाने की बातें करना। तो आज भी ये डेलीगेशन बरगलाने के लिए आया है कि जी चीज़ों को जो है मुद्दों को भटकाने के लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है नीतू जी बता रही हैं कि BJP जो यहाँ पर आई है उस आने में BJP के बरगलाने का एक विषय है जो कि वो बार बार इस तरह की शिकायतें करते हैं, लेकिन असली मामला ये है कि वो जिस तरीके से लोगों को धमका रहे हैं, उनके नेता जिस तरीके से धमका रहे हैं, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।